Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. ये लीजिए, आप भी आ जाइए। पूनम जी आप दीजिए। सनी सर हम लाइए। चलो ज्यादा मत चलो भाई, बच्चे के लिए आप अकेले नहीं कर रहे हो। ये ले भाई, ये ले वो। मैं ये खुद खा लेता हूँ। सनी सर ने खिलाया नहीं, मैं क्या करूँ। मेरा गुरु पाजी थोड़ा फ्लैट गिन दीजिए चलो प्लीज। देखिए फैंस तो बहुत हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ताकत है वो। और बस उसी उम्मीद के साथ फिर से मैंने कहा कि फिर से मैं भी सिर्फ एक्टिंग करूँगा। और शर्मा जी गदर की कहानी लेकर आए तो यहाँ से ही शुरुआत हो रही है। तो मुझे यकीन है कि जैसे गदर भी हमने बनाई थी फिल्म, लोगों को पसंद आई थी, ये भी हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। जी जी बिल्कुल पहुंचेंगे। ये कोलैबोरेशन फिर से होने वाला है, यू नो, काफ़ी सालों के बाद में। तो इस कोलैबोरेशन को सेलिब्रेट साथ ही में कर रहे हैं आज इनके बर्थडे के साथ। ये तो हमारा इनका कोलैबोरेशन तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिल्म हो ना हो कोलैबोरेशन तो है ही, और सेलिब्रेशन भी रोज ही होता है इनके साथ। आज कोई लेकिन आज स्पेशल डे है तो स्पेशल सेलिब्रेशन है। घर पर फैमिली के साथ में किस तरह से बर्थडे मनाया है अभी तक, या फिर अभी पार्टी बाकी है? देखिए बर्थडे तो जैसे हर आदमी इंसान अपने घर में मनाता है, वैसे ये कुछ अलग तो है नहीं। बस हम सुबह हवन करते हैं, जो मैं हर अपने जन्मदिन पर करता हूँ, उस वहाँ से शुरुआत होती है। फिर बाद में जैसे दिन बढ़ता है, जो भी लोगों से मिलता हूँ और जैसे फैंस आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, हर साल आते हैं, जहाँ भी मैं हूँ वहाँ आ जाते हैं। इस बार मैं बॉम्बे में हूँ। वैसे सनी आपके लिए सीक्वल का मौका है, अपने टू है, गदर टू है, सीक्वल्स आ रही हैं आपकी, कुछ बताना चाहेंगे कब से शूटिंग्स वगैरह स्टार्ट होने वाली है? सब शूटिंग्स तो काफ़ी शुरू भी हो चुकी हैं। जैसे मैंने बालकी की फिल्म तो ऑलरेडी नियरली ख़त्म ही हो चुकी है, अभी गदर शुरू करेंगे, उसी के साथ एक और फिल्म मैं शुरू कर रहा हूँ। तो फिल्में ढेर सारी शुरू हो रही हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा अभी कहना क्या है कैसे है सही नहीं होता। तो बस यही है कि ये जरिए के थ्रू मैं अपने फैंस को बता सकता हूँ कि भाई आपको मैं एंटरटेन करने आ रहा हूँ वापस, और ढेर सारी फिल्में करूँगा। लेकिन इसके अलावा यू नो थिएटर्स रीओपन होने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चलता है, सब कुछ हो रहा है। फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा, देखिए मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बाहर यहाँ वहाँ जा नहीं पाता, और कोविड की वजह से भी नहीं ज़्यादा जा सकते। बट डेफिनेटली जितनी भी फिल्में आ रही हैं, सब फिल्में बढ़िया फिल्में होंगी, और मुझे पूरा यकीन है जनता जाना भी चाह रही है। थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज एक आदत बननी वापस तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सिनेमा वैसे के वैसे ही रहे। सर अपनी टूर के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? पहले आपने अपनी फैमिली, आपके डैडी और आपके भाई के साथ अपने किया था काम, तो अब फिर से कैसा है, मतलब कैसे लगेगा आपको, कैसा फील हो रहा है फिर से उसका सेकेंड सीक्वल बन रहा है? देखिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज इसमें मेरा बेटा भी होगा, तो पूरा परिवार बीच में होगा, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बस उसकी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्टें खत्म हो जाए, तो उसके बाद फिर देन वी विल डू अ प्रॉपर अनाउंसमेंट अबाउट इट। गदर की अगर बात की जाए तो गदर एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है, आज तक लोग उसको देखते हैं तो वो फ्रेशनेस जो है वो नहीं गई है। लेकिन जब आपने गदर टू हाल ही में अनाउंस किया दशहरा के मौके पर, तो किस तरीके का आपके फैंस का रिएक्शन आया? क्योंकि आपने अभी अभी हम लोगों से पूछा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, तो आपके फैंस की तरफ से कितनी एक्साइटमेंट आपको? आई थिंक सब बहुत ही हद से ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज ये फिल्म ही इस तरह की है जिसे जनता ने ही इसे उठाया है, और जनता ही इसे वहाँ लेकर गई है। ना क्रिटिक्स ने इसे उठाया, ना मीडिया किसी ने इसे उठाया नहीं थे, तो जनता इसे लेकर गई है जहाँ जाना था इसने। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, और काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कब हम करेंगे, नहीं कर रहे थे। बट अच्छी कहानी मिलना बहुत ज़रूरी है, और जैसे हमारे पास कहानी आई अभी, मुझे पूरा यकीन है कि
कई सालों से हो रहा था गदर टू आप भी देखते थे मीडिया में आ रहा है लेकिन सनी सर का और हमारा यही था कि जब तक हमको ऐसा ना लगे कि हम ऑडियंस को उतना ही रोमांचित कर सकें, उतना ही इमोशंस दे सकें जो हमने गदर वन में दिया था, उतनी अच्छी कहानी हाथ में ना आए तब तक नहीं शुरू करेंगे। तो हो गई है, होगा, ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तीन दिन तक इंटरनेट पूरी तरह से गदर टू ने स्ट्रॉम कर लिया, सबको मालूम है क्या हुआ है, तो मैं क्या बोलूँ, आप सबको भी गदर का एक्साइटमेंट है। तो है कास्ट की अगर बात की जाए तो कोई ऐड ऑन होने वाला है, वो सब आपको धीरे धीरे बताएंगे, अभी सब चीज़ें भी बता देंगे। फिर क्या एक्साइट क्या हुआ जब गदर बनाई थी उस वक्त, जब बना रहे थे उस वक्त कोई पूछ रही है, वो चल गई तो अभी सब पूछना चाह रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। लेट अस ब्रीद एंड वर्क हार्ड एंड डू आर बेस्ट सो दैट वी आर नॉट हैव एनी प्रेशर, और बस हमें करने दीजिए व्हाट वी आर गुड एट, एंड यही उम्मीद रखते हैं कि हम अपने आप में से अच्छा काम कर पाएँ और इस चीज़ को भी उस मुकाम तक ले जाएं जहाँ तक गदर पहली फिल्म थी हमारी। वेल सनी, लास्टली दिवाली आ रही है, कुछ प्लान्स हैं इस दिवाली? आपके क्या प्लान हैं? तेरा शहर काम ही है। तो मेरा भी वही काम है, आप लोगों से बात करना जब मौका मिलता है। विशिंग एवरीबडी अ हैप्पी दिवाली एंड enjoy every festival, just enjoy, don't get restricted about anything. Thank you so much. आराम से हो गया आपका? एक मत था इतनी चलो 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 हो गया हो गया। चलिए।